15 साल बाद पेट्रोल और डीजल इंजन गाड़ियां सड़कों पर नहीं चल सकेंगी। यूरोपीय यूनियन ने 2035 के बाद ऐसी गाड़ियों की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। ऐसा माहौल दोस्त कानून भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया। यूरोपीय यूनियन असेंबली ने इस मामले पर फ्रांस में भी वोटिंग की। नए कानून के मुताबिक कंपनियों को धुआं खारिज करने वाली गाड़ियां बनाना बंद करना होंगी। कानून के मुताबिक 27 ममालिक में डीजल और पेट्रोल इंजन गाड़ियों की फरोख्त ममनू होगी, क्योंकि यूरोप में कार्बन डाइऑक्साइड के धुएं का 12% हिस्सा गाड़ियों से खारिज होता है। यूरोपीय यूनियन में चंद सियासी जमातें इस कानून की मुखालफत कर रही हैं, लेकिन अगर ये फैसला वापस ना लिया गया तो 2035 के बाद यूरोप में सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें ही चलेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।